हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द पॉपकॉर्न टीवी। मैं हूँ अंकिता और मेरे साथ है अरिजीत। हेलो। और आज जो वीडियो हम लोग देखने वाले हैं वो जायद अली का है, कॉमेडी वीडियो। और ये भी एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, ब्राउन पैंट्स एंड टेक्नोलॉजी। तो रिक्वेस्ट आया था इसका, इनका भी रिक्वेस्ट आया था और इनका वीडियो हम पहले भी देख चुके हैं। तो अब काफी वो वीडियो था ब्राउन वेडिंग वर्सेस व्हाइट वेडिंग, तो काफी मजेदार वीडियो था, देख सकते हो। तो मतलब वीडियो तो बहुत अच्छा लगा हम दोनों को। तो ये आप अगर वो वीडियो देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो, चैनल में वो भी अपलोडेड है। और हमें कभी पसंद भी आया था वो वीडियो, इतना ज़्यादा मतलब कॉमिक वीडियो था वो, इतना ज़्यादा कॉमेडी था उस वीडियो में। पाकिस्तान का जितना भी हमने कॉमेडी देखा है अभी तक, नादिर अली या फिर जायद अली, तो सभी के सभी अच्छे। जायद अली का वीडियोज़ मतलब स्केच वीडियोज़ वो बनाते हैं। तो चलिए वीडियो देख लेते हैं, ब्राउन पैंट्स विद टेक्नोलॉजी। घर आ गया बेटा? जी बाबा, मैं वो एक्चुअली दोस्तों के साथ पढ़ाई कर रहा था ना। कौन से सब्जेक्ट पढ़ रहे थे बेटा? मैथ, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स। हाँ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वैसे बहुत स्ट्रेसफुल होता है। बेटा एक बात बताओ, अगर तुम मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे तो इंस्टाग्राम पे ये किस माँ के साथ फोटो लगाई? देखो पापा, ये बकवास मत करना बेटा। आई एम एलर्जिक टू बकवास। शागीर बेटा। जी पापा। बेटा मैंने अभी अभी तुम्हें व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड किया, व्हाट्सएप के ग्रुप में। ये व्हाट्सएप क्या है? व्हाट्सएप जिस तरह कोरे कहते हैं ना, व्हाट्सएप कूल गाय, ये वो वाला ग्रुप। व्हाट्सएप? नथिंग मच बेटा, हाउ अबाउट यू? अच्छा छोड़ो बेटा, मैंने तुम्हें अभी ऐड किया व्हाट्सएप के ग्रुप में, पूरा खानदान है, गुड बॉय, स्टडी हार्ड, शट अप। ये बहुत रियलिस्टिक है, ऐसा होता है सच में। बस बस, और नहीं बर्दाश्त होता, आज मैं व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ दूंगा। क्विट। क्या हुआ बेटा? अभी से व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ दिया? नो प्रॉब्लम बेटा, अभी तुम्हें वापस सेंड करता। जी बेटा, विंडोज तो खुल रही है। शागीर बेटा। जी पापा। बेटा मुझे तुम्हारी थोड़ी सी मदद चाहिए। पापा मैं अभी तो थोड़ा सा बिजी हूँ, मैं बाद में आपकी किसी वक्त मदद कर सकता हूँ। WTF? वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे आ जाना, ठीक है बेटा? शागीर बेटा, GTFO। क्या बेटा? मेहमान आ रहे हैं, GTFO। GTFO? अबे GTFO, गेट द फलूदा आउट, मेहमान आ रहे, खाना नहीं खिलाना। बेटा, डॉक्टर अमजद चौधरी की फूफो की डेथ हो गई। क्या? उनको एक मैसेज लिखो मेरी तरफ से। जी बाबा। डियर अमजद, डियर अमजद, बहुत अफसोस हुआ। आई कैंट बिलीव शी डाइड। लॉल,
इस तरह के मोमेंट्स में उनको बहुत प्यार की जरूरत है। मेरी तरफ से तो एक लॉल चला गया। रात के 1 बज गए, पता नहीं बगैरत किधर फिर रहा है इस वक्त। इसकी स्नैपचैट देखते मस्जिद में बैठे हुए और नमाज पढ़ने से दिल में बहुत ही ज्यादा सुकून पहुंच जाता है। माशाल्लाह इतना प्यारा बेटा है मेरा। तालीम जिंदगी का एक अहम सतून है। आइए अहद करते हैं कि अपने दिल के अंधेरे को हम सब तालीम से रोशन कर पाए। आदाब सदके जाओ, पढ़ाई कर रहे रात के 1 बजे। माशाल्लाह इसके फ्रेंड की स्नैपचैट खोल के देखती हूँ, वो क्या कर रहे। घर आने दो, सिल्लू के पास घर आने दो। बेटा बेटा जल्दी नीचे आओ। जी बाबा। बेटा लॉटरी लगी है, लॉटरी $1 million की। ये देख, मिलियनेयर है तेरा बाप, मिलियनेयर। पापा ये 1 सेकंड, मुझे पता है तू क्या सोच रहा है। हेलो भट्टी, हाँ छोड़ी तेरी नौकरी और अपनी बीवी से क्या पकौड़े हाथ धो के बनाया कर, बदबू आती है साले बदबू। तुम हाथ धो के पकौड़े नहीं बनाती। एक सेकंड, मुझे पता है तू क्या सोच रहा है। हेलो लैम्बो, हाँ 2 लैम्बोस बुक कर, एक एवेंटाडोर और एक हरिकेन। बेटा गोरी से शादी करनी थी, जा गोरी से शादी कर, बच्चा हुआ तो रॉबर्ट, लड़की हुई तो रॉबर्ट टीना। तेरी माँ को आज मैं संभालूंगा। शकोफ्ता, इस $1 million में तेरा 0 हक 9 शक। बेटा अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को कॉल कर। हेलो कैथरीन मैकडोनल्ड, मैं हूँ तेरा रसगुल्ला, याद है 15 साल पहले। मैं आ रहा हूँ अपनी बीवी को छोड़ के, मैं आ रहा हूँ। बेटा नई माँ मुबारक हो। पापा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये स्कैम है, ये फेक है। क्या मतलब है? ये फेक है, ये सबके पास आता है, एरर है ये। मैं मिलियनेयर नहीं करते हैं। बट अदर देन दैट वी विल सी यू गाइस अनदर टाइम विद अनदर वीडियो।
आउट्रो तो बोल लेते सारा खराब कर दिया ओके अल्लाह हाफिज। सर अगर मेरा कमरा टूटा कैसे ला दिया तूने मेरे प्यार का बेटा साले जम पे जा रहा है इमोशनल कर रहा है क्या हो गया यार कैसे ला दिया तूने मेरे प्यार का बेटा तू जानता है तू 15 साल का था जब मैं पैदा हुआ था तब से तुझे दूध पिला पिला के भैंस का तो पूरा वीडियो बहुत ही ज़्यादा फनी था और हर एक जो स्केच इन्होंने किया है बहुत ही ज़्यादा एक्चुअली रियलिस्टिक भी है। मतलब जो खास करके जो व्हाट्सअप वाला जो प्रॉब्लम है, मतलब एक ओल्डर जनरेशन के साथ जो यंग जनरेशन है वो कम्युनिकेट करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो लोग नहीं चाहते कि व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड होना मॉम डैड के साथ, तो सीन एक्चुअली बहुत रियलिस्टिक है, बहुत लोगों के साथ होता है। और मॉम डैड अगर बच्चों के साथ व्हाट्सअप में ग्रुप में ऐड हो जाता है तो प्रॉब्लम वही होता है, मतलब हर वक्त कुछ ना कुछ मैसेज डाला जाता है ग्रुप में और आप ग्रुप से निकल भी नहीं सकते हो, तो एक्चुअली में बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक है, रिलेवेंट है आज के टाइम में। और बाकी के जो भी स्किट थे मुझे काफ़ी सही लगा और एक्टिंग भी उन लोगों ने अच्छा किया है, मतलब ओवरऑल वीडियो देखो आप दोनों ने ही एक्टिंग बहुत अच्छी की है, तो काफ़ी ऐसा होता है उनका वीडियो में हाँ। जो दिखाया गया और टेक्नोलॉजी के साथ जो प्रॉब्लम होता है ओल्डर जनरेशन के साथ, आप टेक्नोलॉजी में हम लोग खुद भी वो लोग ऐसा ऐसा बोलते हैं कि हंसी आ जाते हैं हम लोगों की हाँ। क्या बोल मतलब हम लोग कुछ और मीन कर रहे हैं वो कुछ और मीन कर रहे हैं हाँ। तो कहीं ना कहीं वो डिस्टेंस बना रहता है, तो वो एक अलग ही फनी किस्सा है, हर लोग फेस करते होंगे अपने लाइफ में। तो ओवरऑल वीडियो तो काफ़ी फनी लगा, ओवरऑल एंड से लेके मतलब शुरू से लेके एंड तक काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार था, ब्लूपर्स भी बहुत अच्छा हाँ जो लास्ट में जो ब्लूपर्स थे वो भी काफ़ी सही था, तो हम लोगों को बहुत हंसी आया। तो आपको कैसे लगे वीडियो कमेंट सेक्शन में लिखे, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।